नमस्कार, मैं रुपेश और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। देखिए, आखिरकार बिजली विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर जेई के। देखिए, जैसे कि मैं आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि बिजली विभाग के लापरवाही की वजह से रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बिजली विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, देखिए 5 महीने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया है बिजली विभाग के। इसके बाद देखिए, इसका कहना है कि रिजल्ट, बहुत सारे वीडियो में मेरे कमेंट आ रहा था कि एक न एक किसी का कमेंट आ रहा था कि रिजल्ट कब जारी होगा, कब जारी होगा करके। तो देखिए, आखिरकार नोटिस ऊपर नोटिस जारी कर रहा है, तो इसका कारण है कि देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर व सीबीटी का परिणाम 2-4 से कार्य दिवस में घोषित किए जाने की संभावना है, ये बताया गया है। इसके बाद देखिए, टाइपिंग टेस्ट माह जून के अंतिम सप्ताह में या माह जुलाई के आयोजित किए जाने की संभावना है। अब इसके बाद मैं कहूँगा, देखिए टाइपिंग टेस्ट की आवश्यक तैयारी करते रहिएगा। इसके बाद देखिए, टाइपिंग टेस्ट हिंदी में देखिए कृति देव फ्रंट में इंग्लिश एवं अलग अलग लिया जाएगा। कृति देव के हिसाब से देखिए टाइपिंग टेस्ट जो होगा हिंदी का अलग अलग लिया जाएगा, और दोनों ही टेस्ट हेतु सामान्य बोर्ड में देखिए इसका इस्तेमाल होगा। उपयुक्त दोनों टाइपिंग टेस्ट में अलग अलग पास होना अनिवार्य है। इसके बाद बताया गया है कि देखिए, आपको 5000 की डिप्रेशन अर्थात कम से कम 17 शब्द प्रति मिनट की गति से सही रहना चाहिए, यह अभ्यास करते रहे। तो आप सभी को निवेदन है कि टाइपिंग टेस्ट का आप अनिवार्य करते रहिए, टाइपिंग टेस्ट आप सीखते रहिएगा, फास्ट कीजिएगा। इसके बाद देखिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर और दिखाई दे रहा होगा, आखिर देखिए नोटिस ऊपर नोटिस जारी कर रहा है ना, मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा एक और नोटिस। देखिए, इसके बाद बताया गया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर यानी कि जनरेशन के हिसाब से देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कनिष्ठ अभियंता यानी कि इलेक्ट्रिकल के पद के लिए भर्ती के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके संबंध में जानकारी हेतु निम्नलिखित सूचना, दूरभाष के कार्यालयीन समय यानी कि देखिए उसके कालीन समय में बताया गया है कि 10 बजे से लेकर शाम 5-5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है। यहाँ पर संपर्क हेतु यहाँ पर दूरभाष क्रमांक दिया गया है 07712574700 पर आप कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि रिजल्ट कब जारी होगा। ये आपका दूरभाष नंबर दिया गया है, आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो कॉल करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। यही जानकारी आपको देना था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको काम के समय में मिलती रहती है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, बहुत